बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी हम बैंगन से बनाएंगे। ये मैंने दो बैंगन लिए हैं, हम बैंगन से फ्राइज बनाएंगे। तो इसको मैं धो के छील लूंगी और इसको फ्राइज की शक्ल में काट लूंगी। इसके बाद हम मटीरियल तैयार करेंगे बेसन का। ये बेसन मैंने लिया आधा कप, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। अब जितने मसाले पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें, मैं नॉर्मल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं। टीस्पून साल्ट जाएगा इसके अंदर। इन चीज़ों का मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें और वीडियो को देख के लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको मैंने इस शेप में काट लिया। अब इसको इसके अंदर डिप करेंगे ऐसे, और इसे मैं कढ़ाई के अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी इस तरह से। बैंगन को इस तरह मटीरियल में डिप करने के बाद उसको मैं ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। इस तरह सारे पे हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और ये क्रिस्पी सा हमारा स्नैक्स तैयार होंगे। इसको इसी तरह से आप कढ़ाई के अंदर डाल दें। मुख्तलिफ शेप्स में हम बैंगन को काट सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से काटा है, दूसरे बैंगन को इस तरह से, तीन हिस्सों में मैंने इसे। अब इसको हम डिप करेंगे मटेरियल में और इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। करेंगे ये भी क्रिस्पी सा हमारा स्नैक बन के तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी स्नैक बनेगा। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। अब इनकी साइज चेंज करेंगे हम। लीजिए ये मज़ेदार से हमारे स्नैक तैयार हैं। हम इसको डिश आउट करते हैं। आप भी बनाएं, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।